नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। देखा जाए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी हो रही है कि शेयर में लगातार आप लोगों को अपर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सभी शेयर होल्डर को थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि एक क्रूशियल पॉइंट रिलायंस कम्युनिकेशन में देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज के दिन भी इस शेयर में आप लोग को अपर सर्किट देखने के लिए मिला है। शेयर में 10 पैसे तक की बढ़त, 4.45 रुपये तक की बढ़त आप लोगों को इस शेयर में देखने के लिए मिली है। और बात करते हैं अभी इस शेयर में आप लोगों को जो टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है, एक बनते हुए दिखाई दे रहा है 2.60 रुपये पर। लास्ट टाइम में देखे तो 2.90 रुपये पर ये रेजिस्टेंस ट्रिगर करा था, और उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी और अगेन दोबारा इसमें वीडियो बना रहा हूँ। तो कल के दिन जो शेयर का प्राइस है 2.60 रुपये, उस पर आप लोगों को टच करते हुए दिखाई, ये शेयर अगर टच करके डाउनवर्ड्स की तरफ भी मूवमेंट इस शेयर में देखने के लिए मिल सकती है। शेयर में काफी दिन से लगातार अपर सर्किट चल रहा था और अपर सर्किट चलते चलते शेयर में 2.50 रुपये तक आप लोगों को देखने के लिए मिल गया है। और अभी कल के दिन 2.60 रुपये का इसका रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर इस रेजिस्टेंस को शेयर तोड़ देता है तो शेयर होल्डर में काफी ज्यादा एक शेयर की अच्छी खुशखबरी ये देखने को मिल जाएगी। इसमें आप लोग को 2 टारगेट बनते हुए दिखाई दे जाएंगे, एक तो 2.85 रुपये का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो देखने को मिल जाएगा 2.30 रुपये का। तो आप लोग इस शेयर में थोड़ा सा सचेत होकर कल के दिन चले, क्योंकि अभी इस शेयर में कल के दिन एक टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहा है 2.60 रुपये का। कल के दिन उस शेयर में, अगर कल के दिन रिलायंस कम्युनिकेशन में 2.60 रुपये पे आप लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, तो हो सकता है इस शेयर में आप लोग को दोबारा से लास्ट टाइम की तरह लगातार गिरावट देखने मिले। अगर 2.60 रुपये को ब्रेकआउट कर देता है तो 2.85 रुपये और 3.20 रुपये पर ये शेयर आप लोग को नेक्स्ट टारगेट बनाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो रिलायंस कम्युनिकेशन में आप लोग क्या कहना है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई और शेयर के बारे में, किसी और शेयर के बारे में आप लोग कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपका इस आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव एन नाइस डे, सी यू सून। इस वीडियो में जितना कुछ बताया है वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बताया है, मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोग का पैसा आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पर इन्वेस्ट कीजिए।